आपका स्वागत करते हैं मेरे चैनल पे एक बार फिर से। तो गाइस, इस वीडियो में आपको दिखाना चाहता हूँ कुछ, देख लेना खुद ही क्या होगा इस वीडियो में। तो इस वीडियो में दिखाने वाले हम कुछ ऐसा जो कि इस साल का फर्स्ट टाइम हुआ है। तो चलिए दिखाएंगे आपको कि क्या हुआ है। तो गाइस, देखने के लिए तैयार हो जाइए। गाइस, मेरे पीछे का नज़ारा जो कि मैं आपको दिखाने वाला हूँ इस वीडियो में। तो गाइस, दिल थाम के बैठिएगा, आपको दिखाएंगे अपने घर का व्यू तो किस प्रकार का हुआ है। ओ भाई, ऑसम। चलो आपको दिखाएंगे। गाइस, ये रहा कुछ इस प्रकार का व्यू। जब मैं सुबह उठा तो मेरे सामने कुछ इस प्रकार का व्यू था। तो आप भी देख सकते हो भाई, जब मैं रात को सोया था तो हल्की हल्की बारिश हो रही थी। जब मैं सुबह उठा तो आप देख सकते हो घर के चारों ओर का व्यू। ओ भाई, क्या ज़बरदस्त व्यू है सुबह का, देख सकते हैं आप। ये देखिए, अल्टीमेट। कम से कम एक फुट ऊपर पड़ी है यहाँ पर। तो ये देखिए दोस्तों, रोड का भी नज़ारा। ये देखिए, रोडों में चारों साइड भयानक बर्फ, और पीछे तो क्या कहें। देखिए दोस्तों, इतना भयानक व्यू। ये देखिए, अरे नमस्कार। ये देखिए चारों साइड का कतई जहरीला व्यू होता है इसको। ये देखिए पेड़ बर्फ से। तो गाइस, कुछ इस प्रकार का है मेरे घर का व्यू। तो गाइस, एक बात बताना चाहता हूँ, मैंने सोचा नहीं था कि इतना बर्फ पड़ेगा, क्योंकि शाम को मौसम साफ हो चुका था। तो जब मैं सुबह उठा, मुझे पता नहीं था कि ऐसा होगा, जो कि आपने देख चुके हैं कि किस प्रकार का है। ये बर्फ के बीच चल रही है, और ये देखिए मेरे हाल। ये देखिए, चप्पल पहन के निकला हूँ मैं तो। और ये देखिए रास्ता कैसा हो चुका है, अगर गिर गया तो हड्डियाँ टूटेगी यहाँ पर सीधा ही। और ये देखिए बर्फ, कम से कम एक फुट से थोड़ा ज़्यादा है। ये देखिए, गिरने का बिल्कुल डर लग रहा है मुझे कि कब जैसे गिर सकता हूँ। मेरे पलम का पेड़ क्या मस्त लग रहा है। तो चलिए दोस्तों, कुछ और दिखाएंगे आपको थोड़ी देर बाद, क्योंकि अभी लगी हमको ठंड। हम जा रहे हैं अभी आग सेकने। तो चलिए थोड़े से फ़ोटो भी ले लेता हूँ कुछ, फिर आपको मिलते हैं थोड़ी देर बाद। और ये देखिए, तो ये देखिए हमने आग लगाई है यहाँ पर। तो मैं कुछ आग सेक रहा था तो आप कुछ दिखाएंगे। तो ये देखिए गाइस, ठंड का मौसम और ये ना हो तो मज़ा ही क्या है। और जब भी हम देखते हैं ऐसे खिड़की से बाहर, तो ऐसा व्यू देखने को मिलता है जो कि मन को ऐसा संतुष्ट कर देता है कि मानो कि जन्नत में पहुंच गए हो। ये देखिए, और पिछले ही कल मैं शाम को घर में पहुंचा तो मैंने सोचा नहीं था कि ऐसा ही होगा, और सुबह उठते ही दिख रहा है आपको ना। ये देखिए, चारों साइड बर्फ ही बर्फ, और जो जंगल का है वो तो क्या कहना ही। जंगल का व्यू तो और भी सुंदर लग रहा है जंगल तो। तो गाइस, आ चुका हूँ मैं जूते पहन कर। ये देखिए, तो करेंगे अब कुछ मस्ती। अभी जाएंगे कुछ मस्ती करने बर्फ के बीच। एक तो मुश्किल से बर्फ होती है, वो भी साल में एक दो बार, तो इसमें नाम मस्ती करेंगे उसे क्या सकता है। यहाँ देखिए, यहाँ गिर भी सकता हूँ मैं, क्योंकि मेरे जितना बहुत फिसले हैं। ओ शिट, ये क्या हो गया भाई, पेड़ों से बर्फ गिर रही है और मेरे यहाँ पर बुरे हाल हो रहे हैं। जल्दी जल्दी भाग जाता हूँ, नहीं तो आपको बाइक में बच सकती है। देखिए गाइस, आपको दिखाना चाहते थे कुछ। तो ये देखिए गाइस, पीछे है जंगल का नज़ारा, और ये देखिए मम्मी पापा मस्ती कर रहे हैं बर्फ के बीच।
देख रहे हैं कि कितना मर पड़ा है, और मैं यहाँ इनको देख रहा हूँ। देखिए, पता नहीं कहाँ जा रहे हैं, मुझे भी नहीं पता। और मैं तो इस खेत में पता क्या करने आया हूँ, मस्ती। और मेरे साथ फ़िलहाल अभी कोई भी नहीं है, कि पता नहीं कहाँ हो चुके हैं, सारे गायब हो चुके हैं, घर के अंदर सारे छुपे हुए हैं। एक तो मुश्किल से बर्फ पड़ी है और सारे छुप रहे हैं। ये देखिए पांव कैसे डूब रहे हैं बर्फ के बीच। और ये देखिए, या यो यो या, मज़ा आ गया बर्फ के बीच। ये कुछ इस प्रकार का व्यू पॉइंट दिख रहा है मेरे। देखिए गाइस, पता है जब हमारे घर के पास बर्फ पड़ती है तो कुछ इस प्रकार से घर की छतों से बर्फ़ गिरती है। और ये देख सकते हैं डेरिया लग जाती है घर के चारों ओर, तो बहुत दिक्कत होती है इसे, क्योंकि उनको साफ़ करना पड़ता है, इसलिए ऐसा होता है हमारे यहाँ। तो गाइस अभी आए हम घूमने, रोड की ओर निकले थे। ये देखिए मेरे पीछे रोड, जो कि अभी रोड नहीं लग रही है, सीधी सी बात को। और ये मैं अकेले आया हूँ, तो मैंने सोचा कुछ आपको और व्यू भी दिखा दे, जो कि मेरे पीछे देखिए चारों साइड बर्फ पड़ी है। तो गाइस एक बात और भी कहना चाहूँगा, कि आपको तो पता है कि जो भी मेरे सब्सक्राइबर हैं, जिनके भी घर में बर्फ़ पड़ती होगी, उनको पता है कि किस प्रकार के हालात हो जाते हैं जब बर्फ़ पड़ती है। तो मैंने भी थोड़ा सा बताया और उनको पता है। और हाँ दोस्तों, पता है हमारे, जब जिनको पता नहीं होगा कि बर्फ़ में आखिरकार होता क्या है, उनके लिए बर्फ़ में आखिरकार है ऐसा होता है कि हमारे यहाँ पर लाइट चले जाती है हफ्ते हफ्ते भर, आती भी नहीं है। और फ़ोन में चार्जिंग, मैंने तो चलो फ़िलहाल चार्जिंग कर दी थी, क्योंकि मैंने पिछले कल रात को सोच लिया था कि बर्फ़ पड़ेगी, तो मैंने फ़ोन भी चार्जिंग में लगा दिया था। और दोस्तों दिक्कत आती है, सबसे बड़ी दिक्कत आती है चार्जिंग की, और दूसरी रोड, कोई भी सुविधा नहीं होती है जाने के, कहाँ जाना, यहीं घर पे रहो, चूल्हे के पास रहो, और कोई दिखाई भी नहीं देता है बर्फ़ के बीच कि कौन है कौन नहीं है। तो एक बात है कि सुकून मिल जाता है दिल को एक सुकून मिल जाता है कि बर्फ़ पड़ी है, आप मज़े करेंगे, खेलेंगे, कूदेंगे। चलो हम तो हर साल देख लेते हैं, जो न्यू होते हैं उनको बहुत मज़ा आता है, और मुझे भी आता है, मुझे भी बर्फ़ के साथ इतना खेलने में इतना मज़ा आता है कि मैं अकेले ही निकल जाता हूँ। ये देखिए मेरे साथ अभी कोई नहीं है, कल नहीं, मज़े आते हैं घूमने के, देखने के, मेरे को तो बस मज़ा ही लगता है बर्फ़ में चलने का, ठंड का भी एहसास नहीं होता है। तो गाइस इस प्रकार का था ये वाला व्लॉग। तो इसमें मैंने ऐसे किया है कि थोड़ा सा आपको दिखाया कि हमारे यहाँ पर कैसी बर्फ़ पड़ी है, आपके भी पड़ी होगी बेशक, तो मैंने अपने दिखाया कि हमारे यहाँ पर ऐसी बर्फ़ पड़ी है और मेरे इलाके में इस प्रकार से बर्फ़ पड़ी है, जो कि मैं आपको दिखाना चाहता था। और ये है एक बात और, ये देखिए रोड है ना, ये रोड है, और यहाँ पर ना कोई चला है, और फर्स्ट मैं हूँ जो इस रोड में चल रहा हूँ और प्रकृति का मज़ा ले रहा हूँ, और चार साइड तो देख ही चुके हो। तो बस गाइस इस प्रकार से थी ये हमारी आज की ये वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दो यार, कर दो प्लीज़। और शायद हाँ, जो हमारे साथ जो फ़नी वीडियो देखते होंगे उनके भी लिए यार सॉरी, अगर हम मैं ब्लॉग ला रहा हूँ, क्योंकि एक बार चैनल हमारा मोनेटाइज हो जाए, फिर उसके बाद मैं इसमें शायद व्लॉग नहीं लाऊंगा, क्योंकि फ़नी वीडियो देखना चाहते हैं इस चैनल पे मेरे। और मैं हाँ एक बात और, मैं घर आ चुका हूँ, तो आपको तो पता ही होगा अब क्या होगा, तो होगा कुछ ऐसा धमाल, क्योंकि जब बर्फ़ गल जाएगी उसके बाद हम करेंगे शूट, वो भी फ़नी वीडियो आपके लिए निकाल लेंगे, आपके लिए बनाएंगे। तो गाइस इस चैनल में ऐसे ही बनते रहिए, जो न्यू भी है और जो पुराने भी लोग हैं, जिनको पता है कि हम किस प्रकार से इस चैनल में वीडियो बनाते हैं, कि किस प्रकार से हमारी फ़नी वीडियो होती है, उनको तो पता ही होगा। और जो नए हैं सब्सक्राइब करो, और जो इस वीडियो को देख भी रहा है सब्सक्राइब करें, और हमारे चैनल को फैला दो।
भाई मोटे तरीके से फैला दो, सब्सक्राइब कर दो, सब्सक्राइब कर दो, पैसे पैसे कहेंगे लगता है। ये देखिए मैं भी चलाऊँ ऐसे बर्फ के बीच आपके लिए कुछ ना कुछ दिखाने कि किस प्रकार का होता है। और जल्द से जल्द हम इस चैनल पे लाने वाले हैं फनी वीडियो, तो तैयार रहें। अब घर भी आ चुका हूँ तो मेरे को छुट्टियाँ पड़ी है 15-20 दिन की, जिसमें कि मैं अच्छे से शूट कर सकता हूँ फ़नी वीडियो बहुत सारी। तो चलिए मिलते रहिए, आप भी ऐसे ही स्वस्थ रहे और घर के अंदर रहिए क्योंकि बर्फ़ पड़ी है, आपको तो पता ही है कि बर्फ़ पड़ी है। तो ऐसे रहिए और चार्जिंग बचा के रहिए, ठीक है। तो मिलते हैं किसी और न्यू टॉपिक में न्यू फनी वीडियो के साथ। अब तक के लिए बाय गाइस, लव यू।